नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कटनी लॉकडाउन 3 के तहत ग्रीन जोन क्षेत्र में आने वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब दुकानों को खोलने व नियमानुसार शर्तों का पालन करते हुए छूट दी गई है, जिसके चलते शराब दुकानदार आदेशों के तहत शासन द्वारा निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए बिक्री करेंगे। मुख्यतः सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर इत्यादि के इस्तेमाल की मुख्य भूमिका रहेगी। इसी के दौरान जब बुधवार के दिन कैमोर नगर में जैसे ही मादक पदार्थ शराब की दुकान खुली, वैसे ही सैकड़ों की तादाद में सुरा प्रेमियों के जनसमूह ने दुकान को चहुओर से घेर लिया, जिसके चलते अधिकांश लोगों ने मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा और भीड़ को संभालने में ना दुकानदार की भूमिका दिखी, ना ही दुकानदार ने प्रशासन की मदद लेना मुनासिब समझा। केवल बढ़ती दरों में शराब बिक्री करना उचित समझा, जिसके चलते दुकान में ना ही सोशल डिस्टेंस देखने को मिला और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग, जबकि शासन के आदेशानुसार दुकान ठेकेदारों को शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है। जहां शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण वायरस के प्रति अति गंभीर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदार अपने दायित्वों से पीछे हटते हुए कोरोना के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। इसी भीड़ में जब झांक कर देखा तो ना ही सैनिटाइजर दिखा और ना ही शराब दुकान कर्मचारियों ने हाथों में ग्लव्स पहनना उचित समझा, बल्कि जैसे ही सुरा प्रेमियों की भीड़ दुकान पर बढ़ी, तत्कालीन ही दुकान संचालक ने शराब को अधिक विक्रय पर बेचना प्रारंभ कर दिया। तदोपरांत सुरा प्रेमियों ने मीडिया के साथियों से बताया कि आज विगत लॉकडाउन में 40 दिनों के पश्चात शराब दुकान खुली है और दुकानदार शराब की बिक्री बढ़ते दामों में कर रहा है। जैसे 400 के रेट दर की शराब पर 500 रुपए कीमत लेकर कालाबाजारी कर रहा है और मनमाने ढंग पर विक्रय कर रहा है। खबर समय जगत के लिए कटनी से मनोज सिंह चौहान की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।